नमस्कार दोस्तों, माँ के खजाने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही पौष्टिक चिल्ला लेके आई हूँ। और दोस्तों देखिए, ये देखने में कितना खूबसूरत है और इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाला है वो बहुत ही पौष्टिक है। आप अपने परिवार को खिलाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैंने मखाना, सूजी और ये मैंने दलिया और ये थोड़ा सा चावल का आटा डाला है और इसको अब सब मिला के हम इसको भून लेंगे। दोस्तों बहुत ही ये पौष्टिक है और दलिया में तो वैसे ही बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं। इसको मिला करके ऐसे हम हल्का हल्का भून लेंगे इनको। दोस्तों ये मैंने इसमें एक कटोरी जो है दलिया लिया है और सूजी भी एक कटोरी, चावल का आटा जो है आधा कटोरी मैंने लिया है और एक कटोरी मैंने मखाना लेके इसको भून रही हूँ। देखिए दोस्तों ये भून रहा है, ज्यादा मुझे नहीं इसको भूनना है, बस इतना ही भूनना है कि मिक्सी में हमारा पीस जाए बढ़िया। देखिए दोस्तों अब ये जो है देखिए भून के हल्का गुलाबी रंग का मेरा जो है सूजी और आटा दिखने लगा है। तो अब हम इसको बुझा देंगे और इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेंगे। दोस्तों देखिए मैंने ये देखिए मिक्सी में महीन एकदम पीस लिया है। अब इसको हम पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों देखिए पेस्ट अब हमने ये कटोरे में गिरा लिया है और इसमें अब हम डालेंगे मिर्चा, अदरक देखिए घिस के ले लिया है, अदरक डालेंगे और मैंने ये करी पत्ता लिया, धनिया और पुदीने का पत्ता, तीनों चीज इसमें डाला है मैंने और थोड़ा सा ये हम डालेंगे। धनिया पत्ता, पुदीना और करी का पत्ता डाल देते क्योंकि बहुत ही पौष्टिक होता है करी का पत्ता। अब इसमें हम जो है अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालिए, मैं आधा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। इसके बाद पानी मिला के इसको हमको पेस्ट बनाना है। अब दोस्तों इसमें देखिए थोड़ा सा एक चुटकी इसमें जो है हींग डालेंगे और आधा छोटा आधा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप काली मिर्च जो इस पर नहीं डाल सकते हैं, या मिर्चा कम डालिए और काली मिर्च की मात्रा बढ़ा दीजिए। और दोस्तों ये बहुत ही पौष्टिक है, न्यूट्रिशन बहुत इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें जो है आपकी दलिया भी है, मखाना भी है। तो ये बड़ों को चाहे छोटों को चाहे बुजुर्ग को जिसको भी खिलाइए, बहुत ही और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अगर दोस्तों अगर आपको बहुत जल्दी 2 मिनट में नाश्ता बनाना है तो इसको आप जो है भून के पेस्ट बना के किसी डिब्बे में आप रख सकते हैं और जब चाहे तो सुबह का नाश्ता शाम का नाश्ता फटाक से आप बना के बच्चों को चटनी से आप दे सकते हैं और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों देखिए ये मैंने पेट लिया है और ये जैसे इसकी ऐसी ही होगी। देखिए ये बहुत गाढ़ी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है, देखिए आपको दिख रहा होगा चूरा है। तो इस तरह ये बनेगा। अब हम चढ़ाते हैं पैन। अब दोस्तों गैस पे चढ़ाते हैं पैन, गैस ऑन कर दिया मैंने। अब चूंकि दोस्तों ये अभी ये जो है तुरंत पहला बनने जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको रफ कर देंगे, पूरे में फैला देंगे कि अच्छे से ये पहला दोस्तों बनता है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है, नॉन स्टिक हो चाहे जो हो। तो इस तरह हम ये तेल लगा देंगे और इसके बाद ये बैटर को अब हम इसमें डालेंगे। और डाल के ऐसे ही गोल गोल इसको फैला देंगे। अगर बैटर आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा बैटर को, गैस को हम पहले धीमे ही रखेंगे, ये गोल गोल ऐसे घुमा करके आप बना सकते हैं। आप बड़ा भी दोस्तों बना सकते हैं और छोटे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन नाश्ते में छोटे पेस्ट ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा गैस हल्का सा धीमा कर देंगे, तेज कर देंगे, बहुत धीमा भी नहीं रखेंगे और बहुत ही तेज भी नहीं रखेंगे, मीडियम से थोड़ा सा, क्योंकि धीमे धीमे पकेगा तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छा
पक के आपका तैयार हो जाएगा। और जब दोस्तों ये हो जाएगा तो ये अपने आप छोड़ देगा, क्योंकि नॉन स्टिक तवा है और अपने आप ही छोड़ देगा। थोड़ा सा हल्का सा तेल हम इसके किनारे किनारे, या देसी घी आप डाल दीजिए जो भी आपके पास हो, बटर डाल दीजिए, बच्चे अगर खा रहे हैं तो आप बटर का यूज कर लीजिए, और इसको इस तरह डाल के हल्का मीडियम आंच में इसको सेकने दीजिए। दोस्तों देखते हैं पलट के, ये देखिए अपने आप छोड़ दिया। जब हो जाता है तो आज मीडियम कर लेंगे, और अपने आप देखिए कितना बढ़िया छोड़ रहा है। इसमें थोड़ा सा आप देसी घी डाल देंगे तो बढ़िया ये खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब फिर पलट के हम उधर भी हम ऐसे ही मीडियम आंच में पका लेंगे। दोस्तों देखते हैं, देखिए पलट के दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया सेक के तैयार हुआ है ये देखिए। अब हम इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल देखिए इसमें घी नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑयल नहीं। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, अगर आपके घर में ऑयल कोई लोग नहीं खाते तो आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बन के ये तैयार हुआ है, और बहुत ही ये पौष्टिक है। थोड़ा सा देसी घी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो देसी घी खिलाना बहुत अच्छी चीज है, और बहुत ही उसमें जो है दिमाग भी तेज होता है, और घर का बना देसी घी तो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों बैटर मेरा थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के देखिए पतला कर दिया। बीच बीच में चूंकि दोस्तों इसमें दलिया पड़ी हुई है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और मखाना है तो हल्का सा बिलबिलापन आ जाता है। तो दोस्तों अगर गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप पानी, थोड़ा सा पानी आप जो है डाल सकते 2-3 चम्मच, और नमक कम हो जाए तो नमक भी उसमें डाल लीजिए, और इस तरह आप ये छोटे छोटे बना लीजिए। मीडियम आंच में ही इसको हम फिर पकने देंगे। देखिए दोस्तों अब इसको हम पलट रहे हैं, कितना बढ़िया अपने आप देखिए, बिना मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, थोड़ा सा घी डाला था, और कितना बढ़िया ये अपने आप छोड़ देता है। और फिर दूसरी तरफ भी हम इसको इसी तरह धीमी आंच में पका लेंगे। दोस्तों आप देखिए अभी मैंने छोटे छोटे बनाए थे चिल्ले, आप इस तरह बड़ा चिल्ला भी बना सकते हैं, और देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। और आपका अगर बैटर बीच बीच में गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा पानी मिला मिला के उसको पतला कर लीजिए, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। और दोनों तरफ पका लेंगे, और इस तरह भी आप चिल्ला खिला सकते हैं अपने फैमिली को। दोस्तों देखिए हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, और खाने में दोस्त उतना ही अच्छा और पौष्टिक है। इसी तरह करते हुए ऐसे हम फैला लेंगे। दोस्तों ये पतला नहीं बनाते क्योंकि इसमें पतला गेहूं का आटा और ये इसमें जो है दलिया है, मखाना है, तो बहुत पतले में ये जो है रूखा बना जाता है, तो हल्का सा इसको मोटा ही हम बनाते हैं। अब इस तरह इसको भी हम पका लेंगे। दोस्तों देखिए ये बन के तैयार हो गया है, और ये देखिए आप कितना मुलायम बना हुआ है, और बहुत ही ये पौष्टिक है। आप अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए, और चाहे इसमें आप तेल से बनाइए चाहे बिना तेल के भी बनाइए, दोनों तरह से ये बन जाते हैं, और बहुत ही बच्चों को हर लोगों को आप ये खिला सकते हैं। और दोस्तों चाहे आप दही से खाइए, चाहे आम की चटनी से खाइए, चाहे मूंगफली की चटनी बना लीजिए, हर से ये बहुत ही स्वादिष्ट चिल्ला लगता है। तो दोस्तों ये रेसिपी अगर हमारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और माँ के खजाने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।